नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी द्वारा 30 मार्च 2022 को YouTube पर आरएलपी वेबिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समस्त शिक्षकों, अभिभावकों एवं अन्य अधिकारियों को भाग लेना अनिवार्य। इसी की इन्फॉर्मेशन लेकर मैं रामनिवास मेहरा आपके साथ उपस्थित हूं। इस वीडियो में मैं आपको परिचित करवाऊंगा उस महत्वपूर्ण आदेश से जो वेबिनार में शामिल होने हेतु जारी किया गया है, और साथ ही आपको वेबिनार में शामिल होने के लिए अभी से रिमाइंडर कैसे सेट करना है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए साथियों, देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम परिचित होते हैं उस आदेश से जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से जारी हुआ है, जो अति आवश्यक है। इसका विषय है साथियों, एनसीईआरटी द्वारा आयोजित वेबिनार रीडिंग फॉर लर्निंग एंड प्लेजर में भाग लेने एवं विस्तृत प्रचार प्रसार के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। इसका जो इस आदेश में हमें बताया गया, उसमें कहा गया है उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन पढ़े भारत की शुरुआत 1 जनवरी 2022 से की गई है। इस चीज़ से आप पहले से ही परिचित है कि जो रिडीम कैंपेन हमारा चल रहा है वो 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ किया गया है। तो इसमें आगे लिखा गया है, इसके अंतर्गत एनसीईआरटी द्वारा दिनांक 30 मार्च 2022 को रीडिंग फॉर लर्निंग एंड प्लेजर के संबंध में यूट्यूब पर जो ये लिंक हमें यहाँ दिया गया है, इस लिंक को मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये लिंक आपको कहाँ मिलेगा, वो जानकारी भी आपको दूंगा। पहले मैं आपको इस आदेश से परिचित करवा देता हूँ। लिंक द्वारा वेबिनार टेलीकास्ट किया जाना है, जिसमें सभी सरकारी शिक्षकों, आपको यहां ध्यान रखना है साथियों किस किस को भाग लेना है इसमें, वो जानकारी हमें यहां दी गई है। सभी सरकारी शिक्षकों को RSCERT डाइट फैकल्टी, समस्त प्रशासकों, अभिभावकों द्वारा भाग लिया जाना अनिवार्य है। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसमें सभी को भाग लेना है, एक भी हमारे अधिकारी नहीं छूटेंगे, शिक्षक नहीं छूटेंगे, साथ ही अभिभावक भी इस वेबिनार में भाग लेंगे। उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यक्रम में अधिक का अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए, और लिखा गया है इस कार्य को सर्वप्राथमिकता से किया जाए। तो साथियों, ये तो था वो आदेश जो जारी किया गया है वेबिनार के संबंध में। यहाँ आपको इसका टाइम टेबल भी दिया गया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर ये टाइम टेबल देख लीजिए। अब आपको प्रशिक्षण कैसे प्राप्त, क्षमा करें साथियों, वेबिनार में शामिल कैसे होना है और आपको लिंक कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको वेबिनार में शामिल करके बताता हूँ कि कैसे आपको अभी से वेबिनार में शामिल होने हेतु रिमाइंडर सेट कर लेना है। और जो लिंक है इस वेबिनार का, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ मैंने इस लिंक को आपकी सहायतार्थ अवेलेबल करवाया हुआ है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट होकर यहाँ पहुँच जाएंगे, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा प्रश्न आपको भी दिखाई देगा। तो साथियों, मैं आपको फिर याद दिला दूं कि आप इस प्रश्न पर आने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां मैंने लिंक अवेलेबल करवाया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए, आप यहां पहुंच जाएंगे। तो आपके सामने यहां ऑप्शन दिखाई देगा सेट रिमाइंडर का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे आपके सामने आपका रिमाइंडर सेट हो चुका होगा, और इस तरह से नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब आपको यहां ध्यान रखना है कि जैसे ही ये वेबिनार स्टार्ट होगी आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगी, आपको उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करते ही आप ऑटोमेटिकली वेबिनार में शामिल हो जाएंगे। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको हेल्प करेगी वेबिनार में भाग लेने हेतु, और हेल्प करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।